हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए विभिन्न फसलों का परीक्षण भार, जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो सीरीज। पहली फसल है चावल। चावल का टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम। अगली फसल है बासमती चावल, 21 ग्राम टेस्ट वेट होता है। अगली फसल है गेहूं, जिसका टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है। अगली फसल है जौ, जिसका टेस्ट वेट 35 से 40 ग्राम होता है। अगली फसल है बाजरा, जिसका टेस्ट वेट 5 से 7 ग्राम होता है। अगली फसल है ज्वार, जिसका टेस्ट वेट 25 से 30 ग्राम होता है। अगली फसल है रागी, जिसका टेस्ट वेट 1 ग्राम से 4.5 ग्राम होता है। अगली फसल है देसी चना, 140 से 259 ग्राम। अगली फसल है चना काबुली चना, 260 से 450 ग्राम होता है। अगली फसल है अरहर, 70 से 75 ग्राम तक इसका टेस्ट वेट होता है। अगली फसल है मसूर, 17 से 138 ग्राम तक इसका टेस्ट वेट होता है। अगली फसल है उड़द की, जिसे ब्लैक ग्राम भी कहा जाता है, 36 से 49 ग्राम। अगली फसल है ग्रीन ग्राम, जिसे मूंग भी कहा जाता है, 34 से 36 ग्राम। अगली फसल है सोयाबीन, जिसका टेस्ट वेट 55 ग्राम होता है। अगली फसल है लोबिया, जिसका टेस्ट वेट 80 से 100 ग्राम होता है। अगली फसल है चने की दाल, 25 से 41 ग्राम तक होता है इसका टेस्ट वेट। अगली फसल है मूंगफली, 200 से 250 ग्राम टेस्ट वेट होता है। अगली फसल है रेप सीड और सरसों, जिसमें सभी आ जाते हैं, 3 से 5 ग्राम तक होता है। अगली फसल है सनफ्लावर सूरजमुखी, 40 से 50 ग्राम। अगली फसल है कुसुम, 10 ग्राम। अगली फसल है रेंडी कास्टर, जिसे कहा जाता है, 100 से 150 ग्राम। अगली फसल है अलसी का बीज, 10 ग्राम। तिल, 2.85 से 4.06 ग्राम तक इसका टेस्ट वेट होता है। अगली फसल है नाइजर, 3 से 5 ग्राम। अगली फसल है तंबाकू, 0.05 से 0.12 ग्राम। अगली फसल है कपास, 7 से 10 ग्राम तक होता है टेस्ट वेट। अगली फसल है मटर, 100 ग्राम टेस्ट वेट होता है। अगली फसल है एक घास का वर्णन किया गया है, जिसे जिसे लूसर्न ग्रास भी कहा जाता है, इंग्लिश में नेम इसका लूसर्न है, जिसका टेस्ट वेट 2 से 4 ग्राम होता है। अगली फसल है जई, जिसका टेस्ट वेट 35 से 40 ग्राम होता है। अगली फसल है प्याज, टेस्ट वेट 2.5 ग्राम से 4 ग्राम तक होता है। बैंगन का टेस्ट वेट 4 से 5 ग्राम होता है। मूली का टेस्ट वेट 8 से 12 ग्राम होता है। टमाटर का टेस्ट वेट 3 से 4 ग्राम होता है। खीरा का टेस्ट वेट 27 से 35 ग्राम होता है। फ्रांसीसी सेम का 38 से 44 ग्राम टेस्ट वेट होता है और मक्का का 280 से 280 ग्राम तक होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, एक बीज सूचकांक होता है और एक परीक्षण भार। बीज सूचकांक को इंग्लिश में सीड इंडेक्स कहा जाता है और परीक्षण भार को टेस्ट वेट कहा जाता है। बीज सूचकांक, जिसे सीड इंडेक्स कहा जाता है, यह प्रति 100 बीजों का वजन बताता है। यह बड़े दानों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे मक्के के बीज के लिए, यह बड़े दानों के लिए होता है, जिसमें प्रति 100 बीजों का टेस्ट वेट निकाला जाता है। और दूसरा है परीक्षण भार, जिसे इंग्लिश में टेस्ट वेट कहा जाता है। इसमें छोटे दाने के बीजों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें प्रति 1000 बीजों के टेस्ट वेट निकाला जाता है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।